हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि हर एग्जाम में आप लोग के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका रेलवे बैंक हो, एसएससी हो, एससीएफ हो, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए पूछे जाते हैं। दो तीन नंबर के लिए सीनाइम्स पूछे जाते हैं और एंट्रेंस पूछे जाते हैं। DSSB, KVS, सबका एसटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में ग्रामर सभी जगह ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। और ये बेसिक चीजें होती है जो कि सबको यहाँ आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर एग्जाम देना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये आप लोग के लिए बोल सकती हूँ कि बहुत ही मोस्ट क्लास रहेगी, इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। ये आपका सिनाइम्स पूछा गया है यहाँ पे कि डिलीरियस इज द मोस्ट सिमिलर टू। डिलीरियस का मतलब होता है अगर यहाँ पे माने भ्रमित करना, किसी चीज को भ्रम बोलते हैं ना, इसके पास सेंस लेस, उसके पास सेंस नहीं है ना, दिमागी नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पूछा गया सिमिलर, सिमिलर पूछा गया, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका मैनिक होगा। ए इज द राइट आंसर, मैनिक हो जाएगा। जो कि मैनिक मीन्स क्या होता है, उसके पास कोई चीज भ्रमित करना। काम में शांत होता है। टेस्टी मीन्स आपको पता है, कोई चीज स्वादिष्ट होता है। सफिशिएंस आप बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफॉर्म इज द मोस्ट सिमिलर, अब पूछा गया इनफॉर्म इज द मोस्ट सिमिलियर, बताइएगा इनफॉर्म इज मोस्ट सिमिलियर। इनफॉर्म का मतलब होता है आपका यहाँ पे बी क्या होता है, इनफॉर्म इस क्या होता है, कमजोर, किसी चीज कमजोरी को बता रहा है, कमजोर होता है इसका मतलब। ठीक है, कमजोर होता है। इसका सिमिलर पूछा गया, सिनाइम्स पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा, वीक। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है। शॉर्ट मीन्स छोटा, ये तो होगा नहीं, हॉस्पिटल आपको पता ही, अस्पताल। फॉर्टिट्यूड मीन्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉशंस इज द मोस्ट डिससिमिलर, अब इसका ना डिससिमिलर पूछा गया, मैंने एंटोनियम्स पूछा गया। तो कॉशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अगर हम बात करें यहाँ पे केयरलेस बोल सकते हैं उसको। ठीक है क्या, और रिस्कलेस बोल सकते हैं, वो ध्यान नहीं देता है किसी चीज का। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, पूछा गया यहाँ पे कि क्या होगा, कॉशस मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान देना, तो इसका डिससिमिलर पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रेकलेस, मैंने ध्यान नहीं दिया जाता है किसी चीज को, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न लिवरे इज मोस्ट सिमिलर, अब पूछा गया लिवरे इज मोस्ट सिमिलर टू, लिवरे का मोस्ट सिमिलर पूछा गया सिनाइम्स। तो लिवरे की अगर मैं बात करूं, किसी चीज को अट्रैक्ट करना अपने तरह, उस चीज को अट्रैक्ट करना। ठीक है, अट्रैक्टिव एनिमल एक तरह से हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक सीटेट के एग्जाम में पूछा बार बार जाता है कि जो एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम क्या याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या करता है, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, पीचा प्लांट, सॉरी पीचा प्लांट है। और अना क्या करता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करके वो फंसा के अपने ट्रैप में खाता है। इसका मतलब पूछा गया है क्या होगा, लिवरे का सिमिलर पूछा गया है। तो लिवरे का जो सिमिलर होगा यहाँ पे डीके होगा। ठीक है, डेके, डीको, बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिलियस पूछा गया, प्रिलस इज मोस्ट डिसिमिलर, अब पूछा गया प्रिलोस इज मोस्ट डिसिमिलर टू। तो प्रिलस का जो डिसिमिलर होगा एंटोनियम्स, इसका क्या होगा, प्रिलस का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। प्रिलस का मतलब वो डेंजरस, क्या होता है, डेंजरस होता है, क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, डेंजरस खतरनाक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो बताइएगा इसका डिसिमिलर क्या होगा, सिमिलर तो होगा नहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूं। ठीक है, और यहाँ पे इसका अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित, ऑनेस्ट नहीं होगा आपका, डिसिप्लाइन नहीं होगा। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन इज द मोस्ट सिमिलर टू, आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, सिमिलर पूछा गया, सिनाइम्स पूछा गया। तो आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, उसका सेपरेट करना, रिमूव करना, डिलीट करना, रिमूव करना हो सकता है, सेपरेट। ठीक है, होता मैंने उसको अलग करना, अलगाव करना। ठीक है, इसका पूछा गया सिमिलर पूछा गया, तो सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होगा, सॉलिट्यूड का मतलब किसी चीज को विदड्रॉ करना, उस चीज को निकालना, अलग करना। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूल इज द मोस्ट सिमिलर टू, अब पूछा गया कि ल्यूल का सिमिलर क्या हो जाएगा। तो ल्यूल का जो सिमिलर होगा यहाँ पे, ल्यूल मीन्स क्या होता है, टेम्पररी चीज होती है, कोई चीज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अनफिक्स कह सकते हैं हम। ठीक है, वो चीजें फिक्स नहीं होती है। तो ल्यूल का मतलब क्या होगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, वो चीज स्टैटिक नहीं है, अनस्टैटिक है। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉज, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी, रुकते हैं ना, जैसे बोलते रहते हैं आई एम गोइंग टू,
आई आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, जो भी अदरवाइज सब बोलना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर, फिर रुक जाते हैं बीच में, यानी कि पॉज करना वहां पे कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी रुकना, यही आपका पॉज होता है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटफिट आउटफिट इज मोस्ट सिमिलर टू, आउटफिट इज मोस्ट सिमिलर टू, तो आउटफिट का पूछा गया है सिमिलर क्या होगा। आउटफिट का मतलब पहले होता है किसी चीज का सप्लाई करना, मैंने सप्लाई कर देना उस चीज को, इसका मतलब हो जाएगा राइट आंसर फर्निश, फर्निश होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुअल इज द मोस्ट डिसिमिलर, अब यहाँ पे एंटोनियस पूछा गया, पंक्चुअल सबको पता है कि बी पंक्चुअल, यू बी पंक्चुअल, तुम टाइम के पाबंदी हो ना, तो इसका मतलब यही होता है टाइम, ठीक है। इसका डिसिमिलर पूछा गया, मैंने करेक्ट टाइम पे जो आता है हमेशा टाइम का, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पी हो जाएगा टार्डी, टार्डी मीन्स क्या होता है लेट होता है, टार्डी मीन्स लेट, टार्डी मीन्स क्या होता है इसका लेट हो जाएगा, ठीक है। इसका डिसिमिलर पूछा गया था, मैंने एंटेनियस पूछा गया था, तो हो जाएगा आपका टार्डी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिल्यूट इज मोस्ट डिसिमिलर टू, डिल्यू इज द मोस्ट डिसिमिलर टू, अब इसका डिल्यूट का पूछा गया है, सिमिलर डिसिमिलर पूछा गया है, यानी कि एंटोनिम्स पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए मिसलीड करना, जजमेंट करना, आप तो किसी भी चीज को, डिलीट का मतलब क्या होता है किसी भी व्यक्ति को आप जजमेंट कर सकते हैं, जजमेंट करते हैं बिना समझे कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो अंदाजे लगाना, एक प्रेडिकेशन कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, इनलाइटेंड, ठीक है, इनलाइटेंड होगा इसका सिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर होगा इनलाइटेंड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिट इज मोस्ट सिमिलर टू, ओमिट इज मोस्ट सिमिलर टू, ओमिट का पूछा गया, ओमिट मीन्स आप लोग जैसे रील वील देते हैं ना, रील देखते हैं आजकल तो बहुत रील देख रहे हैं आप लोग, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी स्किप करो, ओमिट कर, ठीक है, टीचर भी क्लास में आप लोग बोलते हो अरे ओमिट करना, इस क्वेश्चन को ओमिट ही कर देता है, छोड़ देता है इसका मतलब, ठीक है। इसका सिमिलर पूछा गया, इसका सिमिलर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर कर देना, मतलब कि अनदेखा कर देना, किसी चीज को अनदेखा कर देना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, री साइलेंट इज मोस्ट डिसिमिलर टू, अब री साइलेंट का पूछा गया है, डिसिमिलर एंटोनियम, तो री साइलेंट का मतलब होता है आपका कैपेबल, ठीक है, साइलेंट मीन्स क्या होता है चुप होना, आ री लग गया तो आपका कैपेबल हो गया, माने क्षमता होती है उस चीज का, इसका हो जाएगा आपका फिनसी, फिनसी हो जाएगा, ठीक है, इसका अक्षमता है, ठीक है, टेम्पररी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटी म्यूटनी पूछा गया, म्यूटनी म्यूटिनी इज मोस्ट सिमिलर टू, म्यूटिनी इज मोस्ट सिमिलर टू, तो म्यूटिनी का जो मीनिंग होता है आपका, सबसे पहले अथॉरिटी होता है, म्यूटिनी का जो मतलब होता है अथॉरिटी, मैंने वो चीज क्या है, जेन्यून है, सत्य है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे पूछा गया सिमिलर, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर, रिलीवियन होता है ना, रिलीवियन, ठीक है, रिलीवेंट होता है, बोलते हैं ना ये रिलीवेंट अथॉरिटी है, म्यूटिनिटी है, ठीक है, ये चीज सत्य है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेब इज मोस्ट सिमिलर, अब नेब का पूछा गया कि नेब का क्या होगा, तो नेब का मतलब होता है अनएफेक्टिव, किसी चीज को अनएफेक्टिव, भोला भाला बोलते हैं ना, ये बड़ा भोला है, यू आर नेवी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनसोफोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अनसोफोफिस्टिकेटेड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइस इज मोस्ट डिसिमिलर, अब इंटाइस का पूछा गया है कि इसका डिसिमिलर क्या होगा, इंटाइस का हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटाइस का मतलब ल्यूरे, ल्यूरे का भी मीनिंग मैं आप लोगों को बताई हूँ, ट्रैप, किसी चीज को अट्रैक करना, फंसाना, अपनी तरह अट्रैक्टिव, इसका डिसिमिलर पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट दिया गया, तो ये तो पहले नहीं होगा, पीस मीन शांति, ये भी नहीं होगा, रिपीट होगा नहीं, ठीक है, दोहराना, रिपुल्स करना, उसको रिपुल्स करना, रिपुल्स हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेमनिटी, ठीक है, सोलेनिटी इज मोस्ट सिमिलर, सोलेनिटी का पूछा गया, तो सोलेनिटी का क्या होता है, किसी चीज का सीरियसनेस, मैंने वो ना सीरियस ही नहीं बोलते ना, ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सी डजेंट ना बोलते ना, सी डजेंट उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, सी डजेंट मैटर बोलते हैं ना, आई आई डजेंट मैटर, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, डजेंट मैटर, इसका मतलब कि मुझे कुछ मतलब ही नहीं, कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ता है, सीरियसनेस, तो इसका सिमिलर पूछा गया है, इसका सिमिलर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ग्रेविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंगी इज मोस्ट डिसिमिलर। अब स्टिंगी का पूछा गया, एंटोनियो डिसिमिलर का मतलब होगा एंटोनियो, ठीक है, अपोजिट पूछा गया, एंटोनियंस, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टिंगी का मतलब समझ लीजिए पहले, इसका होगा फ्रीली या जेनेरस। तो फ्रीली मीन्स क्या होता है आप बताइएगा, इतना तो आंसर होगा आपका यहाँ पे लिबरल, लिबरल हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिन, मैलिन इज मोस्ट सिमिलर, मैलिन का सिमिलर बताइएगा। तब मैलिन मीन्स बोलते हैं ना, ये बड़ा झूठ बोलता है रे, यू आर मैलिन, बोलते हैं ना, यू आर स्पीक मैलिन, यू आर बताइए, तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, यू आर मैलिन, थोड़ा सी एडवांस इंग्लिश है, ठीक है, अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, स्लैंडर, स्लैंडर फ्रीली, ठीक है, स्पीक स्लो फॉल्स, मैंने वो लायर है, ही इज लायर बोलते हैं, स्लैंडर सी इज राइट। नेक्स्ट, इम्पूडेंट इज मोस्ट सिमिलर, अब इसका बताइएगा इम्पूडेंट का मतलब, राइट आंसर इम्पूडेंट मीन्स क्या होता है, अलग करना, इंसोलेंट, इम्पूडेंट मीन्स अलग नहीं करना होता है, इसका मतलब इंसो, इंसोलेंट, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसीलेट इज मोर डिसिमिलर, वैसीलेट, वैसीलेट का मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे मीनिंग, वैसीलेट इनकार करना, ठीक है, वैसीलेट का मतलब क्या होता है, इनकार करना, इसका डिसिमिलर क्या हो जाएगा, एंटोनियम डिसाइड, ना डिसाइड कर लिया मैंने, मैंने निश्चित हो गया, मैंने डिसीजन मैंने ले लिया उस चीज का, किसी चीज का डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे हम, काइनेटिक इज मोर डिसिमिलर, अब काइनेटिक का सबको पता भैया, फिजिक्स जो पढ़ा है, तो काइनेटिक का मतलब होता है आपका मोशन करना, गति करना, एक जगह से दूसरे स्थान तक चलना, ठीक है, तो ये आपका मोशन हो जाता है, तो मोशन का मतलब क्या होगा, डिसिमिलर, स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक क्या होता है, एक फिक्स होता है, जैसे माता पिता से जो जीन मिला होता है, जीन वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, मम्मी को पापा को पढ़े रहते हैं ना, जैसे हमारी बिटिया है ना, वो किसको पढ़ी है, पापा को, तो जब डॉक्टर से उसको हम लोग दिखाते हैं ना, कंसल्ट करते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर कि सी लुक्स लाइक यू योर फादर, मैंने वो अपने फादर के जैसे दिखती है, ठीक है, यानी कि वो फिक्स है, स्टैटिक, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंब, यहाँ पे पूछा गया लंबास्ट, लंबास्ट इज मोस्ट सिमिलर, अब लंबास्ट का पूछा गया, तो लंबास्ट की जो मीनिंग होती है आपका अट्रैक्टिव करना, तो बताइएगा इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर होगा सेंसर, सेंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, कॉक टॉक इज मोस्ट डिसिमिलर, कॉक टॉक इज मोस्ट डिसिमिलर, तो आंसर होगा कॉक टॉक का स्नप, स्नप हो जाएगा, स्नप, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूडिमेंट्री इज द मोस्ट सिमिलर, रूडिमेंट्री सिमिलर पूछा गया, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्राइमिटी, मैंने क्या होता है वो फिक्स नहीं होता, प्राइमिटी होती है, बोलते हैं पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच इज मोस्ट सिमिलर, पिच किसी चीज को पिच करना, तो राइट आंसर क्या होगा, हीटेड, गर्म करना, उस चीज को हीट करना, पिच करते हैं ना, पिच, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिट इज द मोस्ट डिसिमिलर टू, टेपिट इज मोस्ट डिसिमिलर, तो टेपिट का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका बी, स्कैल्डिंग, स्कैल्डिंग हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज मोस्ट सिमिलर, अब लार्जेस्ट का पूछा गया, तो लार्जेस्ट सबको पता ही है कि जेनरोसिटी हो जाएगा, जेनरोसिटी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडियस इज मोस्ट डिसिमिलर, इंसिडियस का पूछा गया, इंसिडियस का हो जाएगा आपका रिपीलेंट, इंसिडियस का आंसर क्या होगा, रिपीलेंट करना किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकोरम इज द मोस्ट सिमिलर, अब डेकोरम का सिनोनिम्स पूछा गया, तो डेकोरम का हो जाएगा आपका यहाँ पे, डेकोरम का मतलब होता है ना सोशल, अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ ना, उसकी सोशल लाइफ में जब हम रहते हैं, तो किसी चीज को कोई बर्थडे मनाते हैं, किसी का शादी विधि रहता है, तो हम एक सोशल लाइफ जीते हैं ना, और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, एटिक्यूट, एटिक्यूट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर, शक्कर, ठीक है, शक्कर इज मोस्ट डिसिमिलर, सर शक्कर का मतलब होता है रिलीफ करना, रिलीफ, इसका हो जाएगा माने डेंजरस होता है, ये माने रिलीफ मीन्स बोलते हैं शांत, काम, सेफ्टी, सेफ्टी अगर हम बोलते हैं सेफ बोल सकते हैं, सेफ, ठीक है, इसका डिसिमिलर होगा इंजर माने घायल, ए इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनज्वाइन इज द मोस्ट डिसिमिलर, इनज्वाइनिंग करना, किसी चीज से ज्वाइन करना, उसका डिसिमिलर पूछा गया। इनज्वाइन का जो डिसिमिलर होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा परमिट करना, परमिट जब ज्वाइन होंगे तभी तो परमिट परमिट होंगे इसका डिसिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनज्वाइन का मतलब अलग होना, परमिट मीन्स ज्वाइन होना, ठीक है। ट्यूमिड इज द मोस्ट सिमिलर, ट्यूमिड, ट्यूमिड का मोस्ट सिमिलर क्या हुआ, तो ट्यूमिड का हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ट्यूमिड मीन्स क्या होता है, सूजा बोलते हैं ना उसका, ट्यूमिड टमी 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 से पेट, और स्वेलिन मीन्स सूजा हुआ, स्वेलिन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजन जेजून इज मोस्ट सिमिलर, जेजून का सिमिलर क्या होगा, तो जेजून का जो सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, इंसिपिड, इंसिपिड हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्यूमेनिकल, इनक्यूमेनिकल इज मोस्ट डिसिमिलर, इसका डिसिमिलर पूछा गया, एंटेनियस पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पैरोचियल, पैरोचियल होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूर इज मोस्ट सिमिलर, साइन क्यूर का पूछा गया, तो साइन क्यूर का जो मतलब होता है केक वॉक, केक वॉक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिगेट इज द मोस्ट सिमिलर टू कॉस्टिगेट, तो कॉस्टिगेट का होता है इसका कॉस्टिगेट पनिशमेंट करना, मैंने दंडित करना, पनिश देना, उस चीज को सजा देना, राइट आंसर क्या होगा, पनिश, पनिश हो जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉइनेटर इज मोर डिसिमिलर, रिकॉइनेटर का पूछा गया, रिकॉइनेटर का पूछा गया, एंटेनियस, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी, यहाँ पे डिस रिगार्डेड माने उसकी देखभाल नहीं की जाना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्लिक्यू इज द मोस्ट सिमिलर टू, ऑब्लिक्यू टायरेड, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉन्डाइट इज द मोस्ट डिसिमिलर, रिकॉन्डाइट इज द मोस्ट डिसिमिलर, तो रिकॉन्डाइट का पूछा गया है एंटेनियस, द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पार्ट पैटेंट, ठीक है पैटेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरुलस, क्यूरुलस इज मोस्ट सिमिलर, क्यूरुलस का पूछा गया है, तो क्यूरुलस का हो जाएगा यहाँ पे प्रिटफुल, प्रिटफुल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, और ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जो कि आपको 100% यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं, और पूरी मैं गारंटी के साथ देती हूँ क्योंकि मैंने भी जॉब भी किया है, ठीक है, और मैंने भी जिस तरह से अपना क्वालिफाई किया है तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं, आप भी जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ी है, जो जो आपको चाहिए मैं पढ़ाती जाऊंगी।